नेशनल हेड हूँ HDB फाइनेंस में। बेसिकली बॉम्बे में 7 साल रहने के बाद हमें सोसाइटी के बेनिफिट्स और टाउनशिप के अंदर एक गेटेड टाउनशिप के जो बेनिफिट्स होते हैं वो समझ में आए। तब ऑलरेडी हम दोनों का फैमिली में डिसाइड हो चुका था कि अब सोसाइटी में ही जाके रहना है। हमने कई जगह विजिट किया लेकिन लास्ट में घूम फिर के मतलब कोई कंपैरिजन नहीं आ रहा था आशियाना की जो टाउनशिप थी यहाँ पे उसके मुकाबले हमें मतलब 19-20 का अंतर नहीं 15-20 का अंतर नज़र आ रहा था। बहुत बड़ी टाउनशिप भी नहीं चाहते थे हम, जब कुछ जगह विजिट किया जहाँ पे क्राउडेड हो जाता है, तो जो सिलेक्ट व्यू का जो कंसेप्ट था हमें बहुत अच्छा लगा। आई एम ए नेचर लवर और मुझे ये इस तरह का ग्रीन एरिया और ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। हम लोगों का जो पर्पस था बेसिकली कि एक अच्छी सोसाइटी हो जहाँ पे सारे एमिनिटीज हो स्पेशली फॉर द किड्स, कि बेसिकली हम लोग ओपन हाउसेस में अगर हम रहते हैं इंडिपेंडेंट हाउसेज, तो हम लोगों के एमिनिटीज नहीं होती वहाँ, बच्चों को भी पार्क में लेके जाओ, कुछ भी एक्टिविटीज़ करानी हो तो हमें मतलब मूव करना होता कि अब इस अकेडमी में लेके जाओ या फिर स्विमिंग के लिए कहीं और लेके जाओ, बट आशियाना की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ऑल एमिनिटीज आर देयर। जब आप एक टाउनशिप में रहते हैं तो हो सकता है आपने अपना खुद का इंटरनल फ्लैट बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ हो, उसको देख के कोई भी कहे, बट पहला इंप्रेशन तो आपके घर पे कोई भी आता है तो जब वो टाउनशिप के गेट से एंटर करता है वहीं से शुरू हो जाता है। तो आमंत्रण के साथ में या आशियाना के साथ में जो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो यही आ रहा था, जो भी आएगा उसको वो शायद उसका क्वेश्चन ये होगा, सर आपने बहुत अच्छी जगह लिया है, हमें भी कुछ ऐसा बताओ ना। वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ आशियाना आमंत्रण फैमिली विच इज़ द प्रोमिनेंट सोसाइटी ऑफ द जयपुर सिटी।